ले आऊँगा, बट मेरा सौभाग्य है कि जयंत भाई ने अनमा के 10-15 मेंबर्स को सबको इकट्ठा किया और हमने BIS के ऊपर काफ़ी बड़ी चर्चा की। शाम के समय पे उन्होंने डिनर भी होस्ट किया, मैं और मेरे कलीग अमर सिंह साथ में थे और बहुत ही उम्दा वातावरण में 3-4 घंटे मैंने यहाँ पर बिताए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनमा के साथ में जो रिलेशनशिप रही है लास्ट, मैं देख रहा हूँ लास्ट 10 साल से, अनमा तो खैर MRI से भी काफ़ी ओल्ड बॉडी है, काफ़ी जूनी संस्था है। MRI लास्ट 2009 से आई है, हमने एसोसिएशन लगभग 2009 के आसपास खोली और उसके बाद में किस तरीके से आपके सहयोग के कारण किस तरीके से MRI ने प्रोग्रेस की और किस तरीके से हमने गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी पॉलिसीज चेंजेस किए और वो एक कार्यक्रम चल ही रहा है और उसके अंदर हमारा कार्य करने का ढंग सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर में है और अनमा का सेंट्रल में भी और स्टेट में भी है और अनमा का सहयोग हमको मैंने देखा लास्ट 6 साल के अंदर, मतलब एज ए प्रेसिडेंट बहुत ही उम्दा है। और जयंत भाई को या अनमा का सहयोग जिस तरीके से शिपिंग का जो अपना दो पिछले साल का इशू था, मैं आपको वर्ड्स नहीं बता सकता, वर्ड्स शब्दों में नहीं बता सकता। चलिए ठीक है, वेवर हमारी इंडस्ट्री को मिल गया, मैंने अधिक प्रयास किए, लेकिन ये जयंत भाई और आपके यहाँ के 2-3 मेंबर और नहीं होते तो ये चीज़ सफल नहीं होती। तो आपके मेंबर के सहयोग से ही हुआ है 100%। मेरी जो डे टू डे बेसिस पे जो जयंत भाई से वार्तालाप हो रही थी, जिस तरीके से मैं कनेक्शन में था, चाहे जूम कॉल में हो, चाहे जिस तरीके से, 1.5 साल पहले एक आभास हो गया था कि जयंत भाई के अंदर कुछ 100% कोई ना कोई चीज़ है जो वो डेफिनेटली एक एपेक्स बॉडी के रूप में एक सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली ट्रेड इन इंडस्ट्री को काफ़ी सहयोग मिलेगा और काफ़ी उसका फायदा ऑल ओवर इंडिया के ट्रेड इन इंडस्ट्री को होगा। उसके मकसद सही, हमारा भी सौभाग्य है कि उन्होंने फॉर्म भरा और वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गए। थैंक यू वेरी मच जयंत भाई, थैंक यू वेरी मच। और ठीक है, हमारे साथ में अनमा के जो 40 साल से आपके साथ में हैं किशोर भाई पुरोहित, डॉक्टर किशोरराज पुरोहित, उनका तो मैं तहे दिल से इतना शुक्रगुजार हूँ कि उनके अंडर में मैंने काम किया है, उनके साथ में मैंने काम किया है। लास्ट 9-10 साल की जर्नी उनके साथ में बिताई है। इस समय के हालात कुछ दूसरे रहे कि लगभग 5-7 फॉर्म्स अलग से आ गए, नए आ गए, हमको 14-15 लोगों की कमेटी ही बनानी थी एज पर बोर्ड ऑफ रेगुलेशंस के हिसाब से, और उसके अंदर फिर किशोर भाई से रिक्वेस्ट हुई और किशोर भाई को हमने कहा कि किशोर भाई देखिए नए टैलेंट आ रहे हैं, ट्रेड इंडस्ट्री के लिए बहुत काम करना है आपको, आपके साथ में हम साथ में रहेंगे। और किशोर भाई पुरोहित और विजय अग्रवाल जी 2-3 लोग जिन्होंने सहयोग पिछले भी दिया और इस बार वो कमेटी में नहीं है, एहसान भाई भी है जो कमेटी में नहीं है बट कमेटी के साथ में है, हर मीटिंग्स के अंदर किशोर भाई हाजिर रहेंगे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की है हर मीटिंग्स में आपकी उपस्थिति हमको चाहिए। कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तो किशोर भाई का सहयोग जरूरी है। MRI के बोर्ड पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देंगे लेकिन MRI के एडवाइजर के रूप में कोई ना कोई पोस्ट में अगली बोर्ड मीटिंग के अंदर उनकी नियुक्ति हो जाएगी। उसी तरीके से एहसान भाई है, उसी तरीके से विजय भाई है, हमको सबको साथ चलना है। कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गया कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। और जिस तरीके से हमने प्रोग्रेस किया है, मैं तो आपको भी सबको आह्वान करूँगा कि किसी को भी MRI की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आना है एज ए इन्वाइटी, प्लीज़ आप आइए, देखिए प्रोसीडिंग्स देखिए, आपके सजेशन दीजिए, आपके एडवाइजेस दीजिए, हमको आपके सजेशंस की ज़रूरत है। आप भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते, कोई भी सदस्य एक मेल भेज दीजिए, अमर सिंह यहाँ पर अवेलेबल है, उनकी मेल आईडी ले लीजिए, आप मेल भेज दीजिए, आपको इन्विटेशन आ जाएगा, आप बेशक अपने तरीके से मीटिंग्स बहुत अच्छे वातावरण में अटेंड कर सकते हैं, किसी को कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप इसी तरीके से किशोर भाई भी बोर्ड की मीटिंग अटेंड करेंगे, विजय भाई भी करेंगे, एहसान भाई भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ में ही रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं लेकिन हमारे साथ में रहेंगे वो। धन्यवाद किशोर भाई, धन्यवाद विजय भाई, धन्यवाद एहसान भाई। MRI के बारे में मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत कुछ MRI के साथ में, हमने सब ने जर्नी तय की है, MRI के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अनमा की प्रोग्रेस भी हमने सबने देखी है, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ अनमा से, इसी के लिए यहाँ पर मैं आज उपस्थित हूँ, हॉनेस्टली मैं इसी के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हूँ। किस तरीके से, मतलब इंडिया में रीजनल एसोसिएशन तो बहुत सारी है लेकिन एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं अनमा के साथ में यहाँ पर एक कुछ घंटे यहाँ पर रह के कुछ अपने भी शब्द कहूँ या आपसे भी बातचीत करूँ, और वो सौभाग्य के लिए मैं डेफिनेटली बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जयंत भाई ने BIS स्टैंडर्ड के बारे में काफ़ी कुछ आपको बता दिया है, किस तरीके से 2017 से लेके अनमा ने, आसमा ने और MRI ने फाइट्स की BIS पे और किस तरीके से हम इस मैटर को आगे तक 2021 तक
जनवरी तक या मार्च महीने तक खींच के लेके आए। फाइनली ये अच्छी हमारी किस्मत थी कि हम साढ़े तीन साल अग्निहोत्री साहब के साथ में जो रिलेशनशिप मेंटेन किए हैं अनमा ने एमआरआई ने, उसकी वजह से हमको ये रिमार्क्स मिल गया। उनको क्लोजर रिमार्क्स था उस पॉलिसी के अंदर, सिंस दिस इज अ हिट्रोजीनियस प्रोडक्ट कि स्क्रैप जो है यूनिफॉर्म क्वालिटी में नहीं आ सकता, इसके लिए इसके स्टैंडर्ड्स बनाने पॉसिबल नहीं है, उसके कारण वो रिमार्क्स के कारण फाइल क्लोज हो गई। लेकिन प्राइमरी लॉबी है जिसके अंदर हिंडालको है, बालको है, नालको है, वो महीने का कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की सैलरीज के उनके 10-15 लोग जो मिनिस्ट्रीज में हर कार्य के लिए वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, और वहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स, जीएम, काफ़ी पोस्ट के लोग वहाँ पर रहते हैं। बिकॉज डेफिनेटली वो एक 60-65% प्रोडक्शन करते हैं वो एल्यूमिनियम के अंदर, और जिंक में भी उनका प्रोडक्शन है, तो उनका उनकी लाइजनिंग हमारे सामने बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी हम उनके सामने कमजोर है, वो काफ़ी हावी है हमारे ऊपर। और उसी तरीके से उन्होंने वापस ये फाइल्स ओपन करा दी, पीएमओ के थ्रू नीति आयोग में गए, फेयरस के अंदर स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी 1.5 साल 1 साल पहले एमआरआई ने ड्राफ्ट करके दे चुका है एमआरआई, और वो ड्राफ्ट एक्सेप्टेड हो गया है बीआईएस के अंदर नॉन, क्योंकि फेयरस के अंदर इसके लिए एक्सेप्टेंस हुआ क्योंकि फेयरस के अंदर कोई प्राइमरी लॉबी का ऑब्जेक्शन नहीं था, टाटा का ऑब्जेक्शन था, लेकिन हम उसको कन्विंस कर पाए कि इसके अंदर इजली स्टैंडर्ड जो है हमारे कस्टम में एक्सेप्टेड है, उसके बेस पे ही हम बनाएंगे तो ही चलेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज फेयरस में उतनी आती नहीं है, 0.5% 1% आती है और उसके अलावा कुछ आता नहीं है, तो वो एक आसानी थी स्टैंडर्ड बनाने में। तो फेयरस का एक मुद्दा अलग था, नॉन फेयरस का एक मुद्दा स्पेशली एल्यूमिनियम का थोड़ा सा जटिल है वो मुद्दा, क्योंकि हम जिस तरीके से मटेरियल इंपोर्ट्स कर रहे हैं, हमको मालूम है अपने बिजनेस को हम देखते हैं, आप और मैं देखते हैं, हम सब देखते हैं, ट्रेड इंडस्ट्री चलाते हैं, किस तरीके से हमारा मटेरियल विदेशों से आता है, ओवरसीज से आता है, और किस तरीके से बेखूबी तरीके से अच्छे तरीके से हम इसको प्रोसेस करके ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, अदरवाइज काफ़ी इंडस्ट्रीज के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं और एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। यहाँ पर प्राइमरी को 15-20% का प्राइस में फ़र्क तो है ही है, हम उसके प्राइमरी इनकट अपने यहाँ पर सेकेंडरी में यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको वो तो एक तकलीफ है ही है। 40% वो एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, यहाँ पर उतना माल बेच नहीं पाते, वो मार्केट शेयर हमारे पास है 1.5 मिलियन टन का, तो उसके लिए बेच नहीं पाते, वो प्रयास कर रहे हैं मार्केट शेयर हमको मिल जाए। उनकी कैपेसिटी हिंडालको बालको की कैपेसिटी जितनी वो 2-2.5 मिलियन टन उत्पादन कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा उनकी कैपेसिटी है, 4 मिलियन टन उनकी उत्पादन कैपेसिटी है, वो अपने उत्पादन को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसका वो एडवांटेज लेते आ रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि हर तरीके से महीने में 1 या 2 मीटिंग्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिनिस्ट्री में वो हमारे अगेंस्ट में खड़ी कर देते हैं। और रियली हमारे एमआरआई के अंदर अच्छे टैलेंट अवेलेबल है, धवल शाह, मोहन जी, किशोर राज पुरोहित, जिन्होंने इतनी विजिट्स करी है दिल्ली में, जयंत भाई ने भी अनमा की तरफ से इतनी विजिट्स करी है कि हर फ्रंट के ऊपर हमने अच्छे तरीके से उनको मात दी है। आपको याद भी होगा कि 2.5% से ड्यूटी 10% बढ़ जाएगी, बहुत ही चर्चित विषय रहा लास्ट 2-3 साल के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी यूनिटी थी और जिसकी वजह से हम ड्यूटी को फिलहाल तो हम एबोलिश नहीं कर पाए, लेकिन हम आने वाले दिनों में हम एबोलिश करके वैसा प्रयास करेंगे कि वो जीरो हो जाएगी। लेकिन हम ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी यूनिटी और हमारी स्ट्रेंथ के कारण हम उसको 2.5% से 10% पर नहीं ले जा पाए। ये सिर्फ सिर्फ अगर ये एमआरआई और अनमा नहीं होती तो हॉनेस्टली ये काम नहीं, काम कब का हो गया होता, हमारी यूनिटी के कारण काम नहीं हुआ। तो एसोसिएशन का प्रदर्शन बहुत ही उम्दा रहा है, एसोसिएशन किसी भी संस्था के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप ये एमआरआई की बॉडी इसी पैशन से हम ये जो काम कर रहे हैं, मेरे जैसे या धवल या जयंत भाई जैसे लोग, जो किशोर भाई वगैरह काम कर रहे हैं, किरण भाई हो यहाँ पर अहमदाबाद में, जितने भी आपके लोग सब लोग काम कर रहे हो, वो इसी पैशन से काम कर रहे हैं। हम लोग नहीं बनाएंगे एसोसिएशन तो हमारे बिजनेस की मतलब कि कोई भी बिजनेस का महत्व ही खत्म हो जाएगा। हमारे ऊपर के जो लोग स्ट्रांग लगे वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, क्योंकि हम ब्रांडेड नहीं है, हम उस तरीके से स्टॉक लिस्टेड नहीं है, हम सोशल मीडिया में नहीं आते। टोटल ऑल ओवर इंडिया में फेयरस और नॉन फेयरस के लगभग 8 से 10 हज़ार इंडस्ट्री है, आप कहाँ कहाँ पर किस किस फ्रंट में आप उसको एकजुट करेंगे। तो ये एकजुट का काम जो है रीजनल बेसिस पे एक गुजरात के लेवल पे अच्छी अनमा कर रही है, और बॉम्बे के लेवल पे BME कर रही है, एपेक्स के तौर पे एमआरआई काम कर रही है, तो सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि हमको अपना स्थान चाहिए ट्रेड इंडस्ट्री के अंदर में हमको भी स्थान चाहिए, हमको भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए हमारे साथ में गलत व्यवहार ना हो, हमारे साथ में कोई भी तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस नहीं रहे, हमारा काम करने का हमारा प्रोडक्ट जो टोटल ऑल ओवर इंडिया का जो प्रोडक्शन है फेरस या नॉन फेरस जितना भी मेटल इंडिया में बनता है उसके अंदर, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, शायद आपको पता भी होगा, ऑलमोस्ट मोटा मोटी 45 से 50% भागीदारी हमारी है।
जिसके अंदर आप समझ लीजिए कि लेड के अंदर 80% भागीदारी हमारी है, जिंक के अंदर 80% 70% उनकी है, फेरस के अंदर ओवर 55% हमारी है, नॉन फेरस एल्यूमिनियम के अंदर 35% हमारी है। तो ऐसे अगर आप टोटल एवरेज लगाएंगे तो 45-50% मेटल प्रोडक्शन सेकेंडरी के थ्रू होता है, लेकिन उसकी इमेज जो है उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से रखी नहीं है इमेज। पर हमने शायद हो सकता है हमारा ही कसूर है, शायद हो सकता है हमारा कंट्रीब्यूशन उसके अंदर नहीं रहा हो, हमने अपने बिजनेस का प्रचार उस तरीके से नहीं किया, अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं किया। हमारे क्या एडवांटेज है गवर्नमेंट को पता है, हमारी बुक्स में भी पढ़ते हैं, हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ भी करते हैं, हम इतना कार्बन एमिशंस रोकते हैं, हम इतना वाटर पोल्यूशन रोकते हैं, हम ब्लू कॉलर लेबर को ज़्यादा एम्प्लॉय करते हैं और हम लोअर इकोनॉमी के लेवल पे कंट्रीब्यूट ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो उस तरीके से जो उसका प्रचार होना चाहिए था उस तरीके से प्रचार नहीं हो पाया। अब समय आया है कि एक जो BIS के माध्यम से हमको एक प्रॉपर तरीके से हम अपना प्रचार करें, अपने बिजनेस को ग्लोरीफाई करें। जो जयंत भाई ने टोटल आपको BIS की स्टोरी बताई, मैं उसके साथ में और ऐड करूंगा कि 2017 में BIS की मीटिंग चली, हमारे बैड लक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, 2018 के बाद में चाइना ने मटेरियल बैन कर दिया, 99% का प्योरिटी का मटेरियल, 99.5% के प्योरिटी का मटेरियल लेना चालू किया, उसके नीचे की सारी क्रेड्स चाइना में नहीं आएगी, और उसके बाद में इंडिया के अंदर जो चोरबा चूरी और एल्युमिनियम की सेवरल ग्रेड्स थी उसके प्राइसेस डाउन होते चले गए, और लॉकडाउन के समय पे 900-950 डॉलर का रेट हो गया या 850 डॉलर का रेट हो गया। ये एडवांटेज इसके लिए मिला इंडिया को बिकॉज इंडियन दूसरी कंट्री नहीं खरीद रही थी और हमने अपनी हमारे प्रोडक्शन बढ़ते गए हमारे, और यहाँ पर उत्पादन भी बढ़ता गया, ऑटो का भी प्रोडक्शन बढ़ता गया, हमको माल की खपत भी हमको ज़्यादा लगी और उत्पादन भी हमारा बढ़ता गया। लेकिन वापस फिर हमने BIS पे अच्छी लड़ाई लड़ी, फाइल को क्लोज करा दिया, फिर एक बैड लक आया, वो चाइनीज लोग फिर मलेशिया पहुंच गए जहां पर उन्होंने यार्ड चालू कर दिए, लगभग 30-35 यार्ड वहाँ पर चाइना में काम मलेशिया में काम कर रहे थे, और उसके बाद में उनका भी बिजनेस अच्छा चलने लगा, वही चाइना का मटेरियल मलेशिया में आने लगा, मलेशिया में प्रोसेस होकर फिर वो चाइना जाने लगा, चाहे वो मटेरियल रॉ मटेरियल जाए चाहे वो इंगट जाए, लेकिन फिर वापस उसका तो एंड कंजप्शन चाइना में ही है, तो वो उस तरीके से काम होने लगा। मलेशियन गवर्नमेंट में भी कुछ लॉबिंग दूसरी लॉबी चल रही है जहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, उनको पता लग गया उनके यार्ड होनर्स को कि कुछ ना कुछ बैंड आएगा, तो उन्होंने शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी या फरवरी में उनको पता लगा, मुझे धवल शाह ने बताया अभी थोड़ी दिन पहले, क्योंकि मलेशिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है धवल भाई, तो उनको एडवांस से पता लग गया था 6 महीने पहले कि ये ऐसा कुछ रूल आएगा कि यहाँ पर बैंड हो जाएगा मटेरियल। तो वहाँ पर उन्होंने भी 35-40 लोगों ने एकजुट होने की कोशिश की, एकजुट हो भी गए एक लेवल के ऊपर, फाइनली कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए और वो एग्जिट नहीं हो पाए, और जो वो सर्कुलर 2 साल के लिए रुका सकते थे आज की तारीख में 1 अगस्त से मलेशिया में कंप्लीट बैंड होने जा रहा है, जो भी मटेरियल अलाउड नहीं है। अब वो जाके 35 लोग एक हो गए, अब कुछ पता नहीं, चिड़िया चुग गई अपना खेत, अब आप एक हो जाओ कुछ फायदा नहीं है, जब आपके पास चांस था एकजुट होने का और अच्छे तरीके से आप गवर्नमेंट के अंदर अपील कर सकते थे, पैसा इकट्ठा करके कुछ भी अपने आप को बता सकते थे, वो नहीं हो पाया और अभी वो सर्कुलर आउट हो गया, मलेशिया ने भी बैंड कर दिया, मलेशिया ने बैंड किया, प्राइमरी वाले यहाँ पर भी और हावी हो गए। कोई भी सर्कुलर इन वर्ल्ड के बाहर कोई भी सर्कुलर एल्युमिनियम के ऊपर आता है 1 घंटे के अंदर प्राइमरी वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचते हैं? उनकी लॉबी स्ट्रांग है। हमने अपना प्रदर्शन प्रॉपर नहीं किया, हमारे क्या स्टाफ है दिल्ली में, 2 स्टाफ है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। हमको हम आज की तारीख में अपने बिजनेस के फायदे के लिए कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बहुत सारे दूसरे सब काफ़ी चीज़ करते हैं, लेकिन अपने बिजनेस को ग्लोरीफाई करने का काम हमने आज तक नहीं किया, जो अभी हमको करना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए कि जून महीने में वापस उन्होंने मेरे ख्याल से मार्च महीने में वापस फाइल ओपन कराई, और उसके बाद में PMO में गए, नीति आयोग में गए, उसके बाद में जून महीने में वापस हमको लेटर आ गया कि आइए वापस मीटिंग के लिए आइए। हम मीटिंग के लिए गए, जयंत भाई भी थे, धवल भाई थे, मोहन जी थे, काफ़ी लोग गए मीटिंग के लिए। वहाँ पर फिर कोई बात छिड़ी कि भी इजरी के स्टैंडर्ड्स हैं और वो एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल है, हमको दूसरे स्टैंडर्ड्स की जरूरत नहीं है। उसी मीटिंग के अंदर उन्होंने हिंडाल्को ने ये जो स्टैंडर्ड आपके पास जो 99.25% के आए हुए वो हिंडाल्को ने बनाए हैं, प्राइमरी वाले सेकेंडरी के लिए स्टैंडर्ड्स मिला के गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आप देखिए कह रही है कैसी अवस्था हुई हमारी कि प्राइमरी वाले हमारा मटेरियल के स्टैंडर्ड वो बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं कि इस तरीके से माल इंडिया में आना चाहिए। वो अपने बिजनेस में क्या करते हैं हम दखलंदाजी नहीं करते, कौन सा मटेरियल के ऊपर कौन सी ड्यूटी है क्या ड्यूटी है हमको अता पता नहीं है। रेड मड का इतना मगजमारी, इतना रेड मड इकट्ठा हो गया मिलियंस ऑफ टन्स कहाँ पर उड़ीसा में जहाँ जहाँ उनका प्रोडक्शन चल रहा है, हम उनके अंदर दखलंदाजी करते नहीं, हम अपने बिजनेस को देखते हैं, दूसरे का बिजनेस इंडिया में क्या पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है हमने उसको शोकेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज हम अपने अपने काम में व्यस्त है और हम अपनी ड्यूटी को घटाने में अपने को क्या चाहिए वो हम डिमांड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी वक्त आ गया है
कि हमारी अगेंस्ट की जो लॉबी वो जो हमारे ऊपर आती है और जो इंडिया में इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, चाहे कार्बन एमिशन को बढ़ावा दे रही है, चाहे दूसरे अलग अलग तरीके के काफ़ी कुछ काम कर रही है, उसको भी हम उनको उजागर करें कि भैया आप लोग हमारी तरफ नहीं देख रहे, लेकिन देखिए प्राइमरी वाले कितना काम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो फाइल वापस ओपन हो गई, उन्होंने वापस हमको बताया कि स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे, फिर हमने मना कर दिया। मना करने के बाद में वापस हमारी अभी महीने भर पहले हमने ट्रेड की मीटिंग कॉल की है हमारे के माध्यम से कि आप आइए सजेशन दीजिए किस तरीके से काम करना है। उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि चर्चा चली कि अपने बिजनेस को हम लोग शोकेस करते हैं और अभी गवर्नमेंट से फिर बात करते हैं। नेक्स्ट डे हमने अपॉइंटमेंट मांगा, धवल शाह और वो चले गए, मोंजी और धवल शाह वगैरह से वापस दिल्ली चले गए, नीति आयोग में गए, BIS में गए, सब जगह बातें हुई, उनके सामने हमने वापस बताया कि ये स्टैंडर्ड्स की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि देखिए प्राइमरी वाले ऑलरेडी फर्स्ट मूव कर चुके हैं, स्ट्रांगली 3-4 साल से फर्स्ट मूव कर चुके हैं आपके अगेंस्ट में, हर मिनिस्ट्री में इतनी बातें कही गई कि आप उसको मना नहीं कर सकते। अभी जो भी हो आपको स्टैंडर्ड्स तो बनाने पड़ेंगे, आप स्टैंडर्ड्स के लिए पीछे हटेंगे तो ये जो पेपर जो बन गया स्टैंडर्ड बन गया, ये आधी रात को 100% गैजेटेड हो जाएगा और लागू हो जाएगा। अभी आप एटलीस्ट आपको क्या चाहिए वो चालू कीजिए, ना इधर आप मना कीजिए। मना करेंगे तो 99.25% वाला जो उन्होंने बनाया वो तो लागू हो जाएगा, वो लागू हो गया तो भाई साहब इंडिया में 1 किलो माल नहीं आएगा जिस तरीके से, या तो फिर हमको गलत फहमी है या फिर हो सकता है कि मुझे शायद अनुभव कम है। 99.25% का माल इंडिया में आएगा क्यों, उसी कंट्री में कंज्यूम हो जाएगा, अमेरिका में, यूरोप में, यहाँ पर आएगा क्यों? मैं तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। हम उस चीज़ को दुबई से मटेरियल, आपको जो भी मटेरियल प्योर मटेरियल इंडिया में आ रहा है बिकॉज दुबई से इंडिया नज़दीक है, फ्रेट ऑलमोस्ट जीरो है, तो इंडिया एक एडवांटेज कंट्री है। बाकी अदरवाइज मिडिल ईस्ट को छोड़ दीजिए, बाकी आप देख लीजिए जो ग्रेड्स इंडिया में आ रही है दुबई से वगैरह, आपको वर्ल्ड ओवर से 0% की ग्रेड कहाँ से आ रही है जरा चेक कीजिए, आप कहीं से भी नहीं आती होगी। आपको जो डेवलप कंट्री जो 70% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है हमको मटेरियल पूरा करने में, वो 70 चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, यूके हो, उन कंट्रियों से माल आपको नहीं आएगा, उन कंट्रियों से माल जो आ रहा है वही आएगा। हो सकता है हमको सप्लायर को गाइड करना पड़ेगा कि भैया आप इंप्योरिटीज को कम कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेगी जॉइंटली, जिसके लिए हम चाहते हैं कि एक फंड्स इकट्ठा हो और फंड्स इकट्ठा करके हम लोग एटलीस्ट कुछ TV के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से अपने प्रचार को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो फंड्स ड्राइव का काम हमने चालू किया है, हमारे ने चालू किया है, वो एक मकसद से किया है कि एटलीस्ट जो भी पैसा आप दे रहे हो, जिस कलेक्शन दे रहे हो, चाहे अनमा दे रही है, चाहे अनमा के मेंबर्स दे रहे हैं, चाहे मैं दे रहा हूँ, चाहे और भी कोई दे रहे हैं, मोंजी दे रहे हैं, मेरा तो ऐसा सुझाव है कि उनकी ही कमेटी बने, वही पैसा खर्चा करे। पैसा किसी को पर्सनल यूज़ के लिए नहीं चाहिए। आप सजेशन दीजिए कौन कौन से फील्ड में किस तरीके से अपने को जाना चाहिए। आप साथ में ये कमेटी बैठी, आप साथ में सजेशन दीजिए, आप बताइए कौन सा कहाँ का खर्चा करना है। ये फंड्स इकट्ठा करने काम का एक अपने आपको यूनिटी के द्वारा अपने को कुछ ना कुछ शोकेस करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो फंड्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये फंड्स खाली आप ही समझिए, BIS को तो हमको लंबा करना है, या एक जो हमको स्टैंडर्ड चाहिए वो हमको स्टैंडर्ड्स मतलब कि कोई ना कोई तरीके से हमको एक्सेप्टेंस करवाना है भाई, कम इम्प्योरिटीज आएगी जो तरीके से हमारी अपनी अनमा और MRA चाहेगी उस तरीके से हम स्टैंडर्ड बना के देंगे उनको गवर्नमेंट को। लेकिन इस प्रोसेस को हम लंबा कर सकते हैं, जो 99.25% का जो प्रोसेस है उसको हम 2 साल 3 साल 5 साल हम लंबा कर सकते हैं। डेफिनेटली उतना तो हम काम कर ही सकते हैं, जो आज की तारीख में 99.25% का अपने तरीके से इन्वॉल्व होकर उसको स्टैंडर्ड बना के और अपना प्रचार को प्रॉपर रखें, उसके एडवांटेज बहुत है लॉन्ग टर्म के अंदर। हो सकता है 2.5% की ड्यूटी भी कम हो जाए साल डेढ़ साल में, या फिर यही बजट में कम हो जाए, क्योंकि हमको अपने अपने बिजनेस को शोकेस करना पड़ेगा, कितने एडवांटेज हमको बताना पड़ेगा उनको। तो ड्यूटी कम करने का काम हो सकता है। GST का काम चल रहा है कि 18% से 5% GST कर दें, एटलीस्ट वो 2 नंबर के जो बिल्स वगैरह हर सेक्टर में मेटल इंडस्ट्री में घुसे पड़े वो एटलीस्ट हम उसको निकाल पाएंगे। तो बहुत सारे दूसरे कार्य है जो ये कमेटी करेगी, जो फंड इकट्ठे होंगे वो कमेटी करेगी। खाली BIS का काम नहीं होगा, BIS के साथ में दूसरे भी एडवांटेज आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे घर में कोई भी शादी का फंक्शन होता है, चाहे मेरे डॉटर की शादी, अभी 4-5 महीने बाद मेरे डॉटर की शादी है, मेरे जेब में जितने पैसे होंगे मैं उतना खर्चा करूंगा। अगर मेरे जेब में थोड़े से पैसे हैं तो हो सकता है मैं दो ही फंक्शन रखूं, जेब में ज़्यादा पैसे हैं तो हो सकता है मैं 7-8 फंक्शन रखूं, 10-10 का फंक्शन रखूं। आप लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन MRA के पास आएगा या अनमा के पास आएगा, उस कॉन्ट्रीब्यूशन से हम जो बेटर कार्य करेंगे वो हम कर पाएंगे। पैसा कम आएगा हमको बजट कम छोटा बनाना पड़ेगा, पैसा अच्छा आएगा एक अच्छे तरीके से आइडियाज उत्पन्न होगी। तो पैसे के अलावा कोई तरीके से काम नहीं होगा, अपने बिजनेस की रक्षा हमको खुद को करनी पड़ेगी, हमारे बिजनेस की रक्षा को बाहर वाला करने नहीं आएगा। देख, आज मेरी कोई तबीयत खराब है, आपकी कोई हेल्थ खराब है, तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, बाहर
दूसरा कोई आदमी आपको डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए बोलेगा नहीं। मेरी अगर मेरे बिजनेस के ऊपर कोई अभी आज की तारीख में अंकुश लगाने काम कर रहा है, बैरियर लगाने काम कर रहा है, तो वो उसके लिए हमको उठ खड़ा होना पड़ेगा, हमको कुछ करना पड़ेगा। और छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा रिजल्ट देगा। छोटा पिक्चर मत देखिए, बहुत बड़ा पिक्चर देखिए इसको। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि तहे दिल से इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए। लोगों के पास पैसा बहुत होता है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम अपने दिल को छोटा रखेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। दिल हमको बड़ा रखना पड़ेगा इसके अंदर कि मैं किस तरीके से, और जो पैसा जो भी आप दे रहे हैं वो अच्छे एनर्जी से दीजिए, अच्छे ब्लेसिंग के साथ में दीजिए। नहीं, मेरे को काम करना है, मेरे ऊपर कुछ ना कुछ आँच आई पड़ी है, मैं जेन्युइन आदमी हूँ, मुझे मेरे बिजनेस के ऊपर इस तरीके से, चाइना को आज हम चाइना के स्टैंडर्ड यहाँ पर नहीं लगा सकते, आज हम मलेशिया के स्टैंडर्ड नहीं लगा सकते। मैं चाइना नहीं हूँ, मैं मलेशिया नहीं हूँ, मेरे को चाइना बनने के लिए, चाइना को चाइना बनने के लिए 40 साल लगे। अरे मुझे 10 साल तो दीजिए, आप 5 साल तो दीजिए मुझे चाइना बनने के लिए। आप आज के बाद मेरे को मेरा मटेरियल बंद कर देंगे, मैं चाइना कैसे बन पाऊंगा? हम वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो ट्रिलियन इकोनॉमी इस तरीके से मटेरियल बंद होने से नहीं होगी। हमको कुछ ना कुछ वैसे कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, अपने आप को दिखाना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा कि जिससे हम एटलीस्ट हम सारे चीज़ जो हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में कुछ मतलब एक कोई ना कोई चीज़ आइडियाज है जिसके द्वारा हम वो कब सब सारी चीज़ें हम प्रदर्शित कर पाएंगे। हो सकता है उसके अंदर सारा करने के बाद में भी हमको एडवांटेज कम मिले, लेकिन आशा ये है कि हम अपने आप को, हमने शोकेस नहीं किया है, हम शोकेस करेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत कुछ हम लोग कर पाएंगे, एकजुट होकर ही कर पाएंगे, इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी इमेज के अनुसार काम करते हैं, ब्रांडेड लोग हैं। एग्जाम्पल 10-15 लोग आपके इधर अहमदाबाद में ब्रांडेड होंगे, दिल्ली में होंगे, बॉम्बे में होंगे, उस ब्रांडेड लोगों को भी अपनी इज्जत के अनुसार एडवांटेज मिलता है, रेस्पेक्ट के अनुसार। हो सकता है कि उनको प्रायोरिटी मटेरियल ऑफर में पहले मिलती होगी, हो सकता है कि किसी और को बाद में मिलती होगी। तो एक चीज़, मेरा एक ऐसा सुझाव है आपसे, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि हम बाजू वाले को नहीं देखें बाजू वाले क्या पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं अपना देखूं कि नहीं ठीक है मुझे बिजनेस के अंदर प्रायोरिटी मिलती है, मुझे 10 ऑफर आती है, बाजू वाले को 5 आती होगी, 7 आती होगी, मैं बाजू वाले को देखूंगा कि भैया बाजू वाला 5 लाख रुपया दे रहा है, नहीं 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 मेरा प्रोडक्शन कम है, मैं तो यार 3 लाख दूंगा, 4 लाख दूंगा। आप सोचिए कि आप मार्केट के अंदर एक रेस्पेक्ट लेके बैठे हैं, आपको उसका एडवांटेज बिजनेस में कंटिन्यू मिल रहा है, तो उसके अनुसार भी आप कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। कुछ ना कुछ आपको उस तरीके सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमम जो आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे वो एक अच्छी दिशा में जाएगा आपका पैसा, कोई भी गलत दिशा में नहीं जाएगा पैसा आपका, मैं आपको गारंटी करता हूँ। इसके अंदर जितने लोग इन्वॉल्व है वो अच्छा कार्य करके ही आपके सामने आएंगे। बाकी कोई भी पॉइंट शायद मैं बाकी रह गया तो मेरे धवल भाई और दूसरे दोस्त लोग हैं वो कंप्लीट करेंगे। मेरी एक ही आपसे आशा है कि एटलीस्ट आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस प्रपोजल को लीजिए। कोई भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन, कोई सजेशन हो, आप यहाँ पर आके मुझे दे सकते हैं, मैं नीचे भी आपको मिलूंगा तो वहाँ पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे बोर्ड मेंबर यहाँ पर काफ़ी अवेलेबल है, नवनीत है यहाँ पर, अमर सिंह है, धवल है, तो इनसे भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में प्लीज़ हमारे से पूछिए, हम आपको 100% पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन का निराकरण करेंगे। एक दिन जो पूरा दिन हमने आज निकाला है, मैंने आज धवल शाह ने सारा निकाला है, तो इसी उम्मीद के साथ में निकाला है कि कुछ ना कुछ एटलीस्ट हम यूनिटी कर पाएंगे और एक स्ट्रेंथ बना पाएंगे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। वही मकसद से हम आगे चल रहे हैं, कुछ लोगों से बात भी हुई है, अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हमको मिला भी है, हमने धवल शाह, सॉरी जयंत भाई है, किरण भाई, इनको बताया भी है, वो जब भी समय आने पर वो आपको बोल भी देंगे। यहाँ पर इंडेंटिंग कंपनियाँ भी पैसा दे रही है, यहाँ पर ओवरसीज सप्लायर भी पैसा दे रहे हैं, सब लोग पैसा दे रहे हैं। अब जब भी आपको कोई भी आवश्यकता हो, मैं माइक के ऊपर नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन कोई भी आपके पास किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है अभी तक, कितने 2, 4, 5, 10 नाम जो आए, आप जयंत भाई से मगर पूछ सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, धवल भाई से पूछ सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली उस क्वेरी का आंसर दे देंगे। मेरा एक ही आशा के साथ मैं बोलता हूँ, अच्छे तरीके से आप कॉन्ट्रीब्यूशन कीजिए, अच्छे दिल से उम्मीद से पैसा दीजिए, आपका पैसा खरा खरा आपको वापस 10 गुना 20 गुना आपको रिटर्न मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू संजय भाई।